ગઈકાલે કચ્છના કંડલામાં દરિયાને અડીને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં આવેલી બન્ના ઝુંપડપટ્ટી સરવા ઝુંપડપટ્ટી ખાડા ઝૂંપડામાં રહેતી 500 થી 700 લોકોની વસ્તી અને પોર્ટ અને પ્રશાસને આગોતરી સલામતીના ભાગરૂપે કંડલાની ભારતીય વિદ્યા મંદિર શાળા અને કેપેસિટી કોલોનીના બંધરૂમોમાં સ્થળાંતર કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. હાલ સમુદ્રમાં હાઇટ એલર્ટ હાઇટ હોય ત્યારે વેગીલા પવન ફૂંકાય તો દરિયાના પાણી ઝુંપડપટ્ટીઓમાં ફરી વળે તેવી શક્યતા હશે, જેને લઈને લોકોનું ફરીવાર એકવાર સ્થળાંતર કરાયું છે. તો આજે કંડલાના દરિયામાં કરંટ જોવા મળી રહ્યો હશે. બધો અહેવાલ કૌશિક છે, કચ્છ. देखिए अभी साइक्लोन तो बिल्कुल डाइल्यूट हो गया है, पर आज रात को हाई टाइड की जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हैं थरी बन्ना विस्तार है, यहाँ से करीबन 150 लोगों को हमने यहाँ से इवैक्यूएशन शुरू किया है. इन लोगों को हम ये बगल में जो स्कूल है उस स्कूल में अभी हम रात को रुकवा रहे हैं. इसके साथ साथ बगल में थर्मल स्लम विस्तार है, वहाँ से भी हम करीबन 300-400 लोगों को इवैक्यूएट करने जा रहे हैं. प्रशासन की तरफ से और क्या इंतजाम किए गए हैं इनके खाने पीने को लेकर, इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या इंतजाम किए गए सर? प्रशासन ने इनकी मोबिलाइजेशन के लिए बसेस रखी हुई है, आप देख सकते हैं जहाँ पे इनको ठहराया जा रहा है वहाँ यहाँ उनको रात के भोजन का बंदोबस्त किया गया है. और साथ साथ NDRF और हेल्थ टीम भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से मुस्तैद है. और इनको अगर महिलाओं या बच्चों को भी अगर कोई हेल्थ का इश्यूज आता है तो उनके लिए हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है. अगर मान लीजिए किसी भी तरह के हालात और बिगड़ते हैं तो क्या उसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए? सभी डिपार्टमेंट को आगाह कर दिया गया है और सभी पूरी तरह से तैयार है.